आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल कंसील्ड शावर फिटिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देखते होंगे, हमारे यहाँ पर दो कंसील्ड लगे हुए हैं और ऊपर शावर है और नीचे दो पॉइंट बने हुए हैं। तो हम आपको इसके पुर्जे पुर्जे की जानकारी देने वाले हैं, कितने इंच पर इसके पॉइंट बनाए जाते हैं और कितने इंच पर ये कंसील्ड स्टॉप कॉप लगाया जाता है, कितने इंच पर शावर लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पॉइंट की। ये हमारा टैंक वाटर का पॉइंट, इसकी हाइट निचले फ्लोर से 39 इंची रखी जाती है और ये कंसील स्टॉप कॉप देख रहे हैं। इस पॉइंट से ये इसकी हाइट 1 फीट रहनी चाहिए। बाकी ये वाली आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी चल जाएगा, यहाँ पर भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नीचे भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों में एम्प्टी सॉकेट लगा के पॉइंट बाई पॉइंट का ये पौन इंची की कंसील स्टॉप कॉप लगा रखा है और सीधे यहाँ पर एरो लगा दी, यहाँ पट्टी लगा दी। अब वो हमारा चला गया सीधा शावर। शावर की हाइट आप 6.5 फीट से लेकर 7 फीट तक रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारी एल्बो, यहाँ पर भी कंसील स्टॉप कॉप और नीचे भी हमारा ये हॉट वाटर का पॉइंट आ गया है। आपको करना क्या है दोस्तों, सेम जैसे कि ये वाला जितना बराबर का आप ये टुकड़ा काटेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 10 या 11 इंच का ये टुकड़ा काटा, तो ये वाला भी सेम उतना ही बड़ा काटना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बड़ा ये काटेंगे उतना बड़ा ये काटना है, जितना बड़ा ये काटेंगे उतना ही बड़ा सेम ये काटना है। तो हम आपके पॉइंट हमारे पॉइंट सेम लेवल में आ जाते हैं। इसका सेंटर टू सेंटर आपको 6 इंच से लेकर 6.5 इंच तक रख देना है, इसका सेंटर और इसका सेंटर। और इन दोनों पॉइंटों में क्लाइंट चाहे तो मिक्सचर भी लगा सकते हैं और इसमें बिग कॉक भी लगा सकते हैं, अलग अलग टूटी भी लगा सकते हैं और मिक्सर भी इसमें लगा सकते हैं। और ये नीचे को आप अपने हिसाब से इसकी लाइन घुमा सकते हैं। हमारा गीजर इसका बाहर है, जैसे कि आप देखते होंगे वो हमने दोनों इसके पॉइंट बना दिए। तो यार आपके लिए मैं ये वीडियो आप रात में बना रहा हूँ, यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वहाँ पर हमारा ग्रोइंग कंसिस्टेंट इंडियन फिट में हमने इसको फिट किया हुआ है। इसका वीडियो हमने इसकी कंसिस्टेंट की फिटिंग कैसे की जाती है इंडियन सीट में, इसका हमने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो उसको दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, वो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार आएँ तो प्लम्बर हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लम्बर हेल्प पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।